सिद्ध सुरेश तुम ही लागी धरि हम नरवेश अनसन सहित मनुज अवतारा ले हम दिन कर वंश उदारा धन्य है भाग्य हमारे मुनिवर विश्वामित्र पधारे कीजिए हमको कृतार्थ पधारिए सहित पुत्रों के नमन स्वीकारिए तुभ्यं नमामि मुनीश्वराय तुभ्यं नमामि योगीश्वराय कल्याणमस्तु सेवा कहिए आज्ञा कीजिए ऋषिवर जो चाहे सो लीजिए धन धान्य धरती दान में कुछ भी न राजन दीजिए आश्रम सुरक्षा हेतु हमको राम लक्ष्मण दीजिए Thank you.
यद्यपि प्राण समान। पुरुष सिंह दो वीर हरष चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धी Thank you.
रंग बिरंगे फूल खिले फूलों की शोभा। Thank you.
सख सिख देखि राम के शोभा सुमिर पिता पनु मन अति छोभा भवानी।
जुड़ने लगे नर नारियां, सीता स्वयंवर की सभी होने लगी तैयारियां। नगर नगर के राजाओं से सजा जनक दरबार, नगर नगर के राजाओं से सजा जनक दरबार। सबको आसन देत जनक जी, सबको आसन देत जनक जी पद पदवी अनुसार, नगर नगर के राजाओं से सजा जनक दरबार। शशि सम ब्राता दो सोही, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक कि निपुकुल पालक। राम और लखन अवध के वासी, धीर वीर गुण निधि सुख रासी। दशरथ के राजकुमार, श्यामल गौर किशोर युगल छवि निरख रहे नर नार। सीता को सभा में ले आई सब सखियां चतुर सयानी, गावे गीत मनोहर बानी। सोहन वलतन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। कोई हम महिपाल सकल जन सुनो, जनक राज का महा कठिन प्रण सुनो। जो योद्धा भंजन कर देगा शंभु धनुष यह भारी, वरमाल उसी को पहनाएगी सीता राजकुमारी।
सबको देखा मिल गई सबके बल की था धरती वीर विहीन हो कैसे सिया विवाह। सुनिए जनक जी, सुनिए जनक जी, हो जहां रघुवंशियों में एक भी ऐसे वचन कहने का वहां साहस नहीं करता कोई। शिव धनुष तो है एक खिलौना, एक पल में तोड़ दूं, श्री राम के संकेत पर ब्रह्मांड का मुख मोड़ दूं। उठो राम, उठो राम, उठो राम, भंजहु भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। दास तिहारा
बहुधनु ही तोरी लरिकाई कबहुन असीरिस की न गोसाई क्षत्रिय खेल धनुष से खेले चाहे तो आप परीक्षा ले ले क्षत्रिय विहीन धरती मेरे हाथों से होती आई है इनके लहू से प्यास मेरे हर से ने सदा बुझाई है क्षत्रियों से ब्राह्मण रक्षित है और ब्राह्मण पूज्य हमारे हैं उस पर ऐसे शुभ अवसर पर हे मुनिवर आप पधारे हैं मुनि शांत करो निज क्रोध इसे बालक जान अबोध शिव धनु भंजन मम दोष दो दंड मुझे करो रोष राम रमापति कर धन लेहू खेचहु चाप मिटे संदेहू राम चतुर्भुज रूप दिखाया मुनिवर का संदेह मिटाया मुनिवर ने तब शीश झुकाया बोले जय 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 रघुराया राम रमापति जय रघुराया राम रमापति जय रघुराया राम रमापति जय
धनुष तोड़ कर भारी सिया को जीता। हे अतुलनीय श्री राम तो अनुपम सीता। नव दंपति की अक्षय ज्योति हीरा बंदा मानिक मोती निज मुखड़ से शरण आए हैं जगन आनंद छाए हैं। क्या हुआ, क्यों है मुंह उतरा हुआ? जागी हो या सोई हो, किस दुनिया में खोई हो? सुनो, नगर में हलचल भारी, राज तिलक की है तैयारी। कौशल्या सुतराज करेगा, चाकर बनकर भरत रहेगा। तुम होगी सौतन की दासी, लोग करेंगे तुम्हारी आसी। कुटिल स्वभाव गया नहीं तेरा, चुप हो जा, घर तोड़ ना मेरा। फिर जो ऐसी बात सुनूंगी, जीभ मैं तेरी कटवा दूंगी। तुम अपना हित अहित न जानो, भले बुरे को ना पहचानो। अच्छा, कह जो तुझको कहना, सदा सुना है तेरा कहना। है तुम्हारे वरदान दो, दशरथ जी के पास राज भरत का मांग लो, राम हेतु बनवास। जो विष पिलाया मंथरा ने वो प्रभावी हो गया, उसके कई का ज्ञान ममता स्नेह सब कुछ खो गया। दुर्भाग्य किस चाल से सौभाग्य जैसे सो गया, कुछ भी नहीं समझा कोई, एक रात में क्या हो गया। कुटिल मंत्र आ गई कई को ऐसा मंत्र मार के कई बैठी गोप भवन में सब श्रृंगार के। ये समाचार जब दशरथ जी ने पाए, सब राजकाज तज गोप भवन में आए।
प्रिय बोलो कुछ बोलो, क्यों रूठी हो भेद ये खोलो। बिन मांगे सब सुख तुमने मुझे दिए हैं, दो वर हैं शेष जो अब तक नहीं लिए हैं। दोवर? दोवर की क्या बात है, तुम मांगो वर चार, दशरथ के सर्वस्व पर है तुमको अधिकार। प्रिये दशरथ के सर्वस्व पर है तुमको अधिकार। मैं जानूं मुझसे तुम्हें सबसे अधिक स्नेह, पर जो वर तुमने दिए पाने में संदेह। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, जो कछु कहूं कपट कर तोही, भामिनी राम शपथ शत मोही। दो वर तुमसे मांगती कर तुम पर विश्वास, भरत राज को राज दो राम को दो वनवास। 14 वर्षों तक वनवासी राम रहे बनकर सन्यासी, निष्कंटक हो राज भरत का, मान रखो रघुकुल के सत का। सर दे दूंगा यदि सर मांगो, किंतु न मुझसे ये वर मांगो, राम बिना मैं रह न सकूंगा, विरह राम का सह न सकूंगा। यही तुम्हारे वचन हैं, यही वचन की आन, मिथ्या वचनों पर करे क्यों रघुकुल अभिमान। निज अपराध समझ में आया, तुझे वचन देकर पछताया, वापिस ले लो वचन तुम्हारा। कह कही तू जीती मैं हारा। सुनहु सुमंत्र वेगी तुम जाओ, बुला तुरंत राम को लाओ। युगल चरण वंदन करे सेवा में है राम, मात पिता आज्ञा करो कर स्वीकार प्रणाम। पितु मात की आज्ञा सिर धरना, सब भांति परम सुखदाई है, नहीं मुझ में भरत में कुछ अंतर, वह मेरा ही प्रिय भाई है। यदि राज करे सुख पाऊंगा, माता की आज्ञा शीश धरूंगा, पितु का वचन निभाऊंगा।
सुन सीते मुझको वन जाना, वन में 14 वर्ष बिताना, वनपत दुर्गम तुम सुकुमारी, गृह में ही सोहे गृहनारी। समाचार ये आग की भांति फैला के कई ने मारा है तीर एक विषैला, है चारों तरफ एक अजब सी उदासी, खड़े महल घेरे अयोध्या के वासी। जाओ छोड़ अयोध्या।
पथगामिनी कार करो हम राम लखन सीता को अब गंगा पार करो केवट की इतनी विनती भगवान स्वीकार करो पग धो लेने दो पहले फिर गंगा पार करो हे केवट हे मेरे भाई इतना उपकार करो चतुराई
सुनो उत्तर दिश से कोई भेंट करन को आवत है चतुरंगी सेना लावत है नाम अपनो भरत बतावत है सुन लक्ष्मण संसार में कोई भरत समान हुआ नहीं होई तीन लोक का राज जो पावे तब हूँ भरत मन मान न आवे कारण दया करो प्रभु क्षमा करो मैंने जन्म वृथा ही लेना तुम सबको संताप ही देना मम भूले चितना धरना श्री चरणों से दूर ना करना भरा है दोषों से मेरा जीवन दया करो प्रभु क्षमा करो समान सुवासित विकसित जग में सुयश तुम्हारा सानुज वंदन राम करे हे पितु पुष्पांजलि द्वारा प्रतिमा के बिन मंदिर सूना स्वामी के बिन धाम राजा बिना नगरिया सुनी कृपा करो हे राम अवध को लौट चलो लौट चलो हे राम अवध को चलो रे राम अवध को लौट चलो सुन धर्मा
कुल की यह रीत पुरानी, देकर वचन तोड़ देना नहीं, रघुवंशी का काम वृथा ये हट ना करो, भरत धर्म के धाम वृथा ये हट ना करो। श्री चरणन की पादुका दीनी कृपा निधान, सादर धर कर शीश पर भरत कियो प्रस्थान। भरत करे यूं अनुभव जैसे संग हूं सीताराम, अवध को लौट चला भरत राज निष्काम, अवध को लौट चला। चित्रकूट को त्याग प्रभु चले दंड कारण्य, धन्य हुए ऋषि दर्श कर दिया दर्श किया धन। Thank you.
का दास दास करे क्या पूरन आस, राजा के सन्मुख तुम जाओ उनको ही निज व्यथा सुनाओ। Well,
भूख न खा? किसने तेरी ऐसी दुर्दशा बनाई है? तुम नृत्य गान में खोए हो, तुम्हें राजकाज का ज्ञान नहीं। इतने बड़े ज्ञानी बनते हो, निज कर्तव्यों का ज्ञान नहीं। बातों में व्यर्थ समय न गवा, क्या हुआ बता, ये शीघ्र बता। कह किसकी मृत्यु हमारे हाथों आई है, किसने तेरी ऐसी दुर्दशा बनाई है? दो राजकुंवर हैं पंचवटी में आए, वे अपने संग एक परम सुंदरी लाए। उस नारी को देखा तो मैंने सोचा, वो बने तुम्हारे राजमहल की शोभा। पर मेरी ही शोभा उजाड़ कर रख दी, मुखड़े की सुंदरता बिगाड़ कर रख दी। लेने गई सहायता खरदूषण के पास, राम ने उनका कर दिया सेना सहित विनाश। मेरी नहीं लंकेश की सारी प्रतिष्ठा घट गई, मेरी नहीं ये नासिका भैया तुम्हारी कट गई। सूप नखा, जिस दुष्ट ने किया तेरा अपमान, प्रण करता हूँ आज मैं लूंगा उसके प्राण। लक्ष्मण सुनो, सुनो लक्ष्मण, संकट में है भ्रात तुम्हारे, जाओ तुम्हें बुलाते हैं। सबके संकट मेटन हारे, कौन तिन्हें संकट में डारे? नहीं लक्ष्मण नहीं, मेरे मन में भांति भांति की उठती है शंकाएं। जाओ लक्ष्मण जाओ, प्रभु तुम्हें बारंबार बुलाएं। आज धर्म संकट है भारी, उधर है पिता इधर महतारी। मत बातों में समय गवाओ, मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ। मैं जो रेखा खींच चला हूँ, माँ वो रेखा पार न करना। उसके बाहर पांव बढ़ाकर कुछ भी हो
स्वीकार न करना। शिवाय, ओम नमः शिवाय। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। हे ऋषिवर, कंदमूल फल ग्रहण कीजिए, मुझको शुभ आशीष दीजिए। हमको अपने गुरुवर से यह सीख मिली है, कभी न लेना वह भिक्षा जो बंधी हुई है। लक्ष्मण रेखा के उस पार मैं जाऊं कैसे, किंतु साधु को बिना दान लौटाऊं कैसे। Thank you.
राम। गगन मार्ग से ले गया रावण सिय को नाथ, मेरी ऐसी गति हुई लड़कर उसके साथ। इधर आगमन का अभिप्राय क्या है कि शुभ नाम से तात अवगत कराए, प्रभु दास को अपना परिचय बताए। हम राम लखन दशरथ सुत आए, वन पितु आज्ञा सिर धर के, संग थी सीता सुकुमारी जिसे ले गया कपटी रावण हर के। करके मुझ पे विश्वास प्रभु, चलिए सुग्रीव के पास प्रभु, उनसे ये वृत्तांत कहेंगे, वे कोई उपाय करेंगे। किष्किंधा दे कर देंगे हम नष्ट।
मैं बैरी सुग्रीव पियारा कारण कवन नाथ मोहे मारा अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या सम ए चारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई ताही बधे कछु पाप न होई राम हे राम 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 हे हनुमत हे महाबली सिया की खोज लगाए राम निशानी मुद्रिका दे देना उन्हें जाए हनुमान लिए वानर सेना सिय खोजन को निकले हनुमान लिए वानर सेना सिय खोजन को निकले पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिश ढूंढ चले हनुमान लिए वानर सेना सिय खोजन को निकले जब सिंधु विशाल को देखा कुलाने बजरंग बलि को लगे उनका अतुलित बल याद दिलाने हे हनुमंत महाबलवंत तुम्ही मैं है बल दीहूं लोक को सारो राम को नाम जपो अविराम कठिन न वो काम जो आप विचारो सिंधु विशाल को एक उछाल में पार करो निज रूप जो धारो वो नहीं जानत है जग संकट मोचन नाम तिहारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो अपने बल को स्मरण करी कपि धरी रूप विशाल जय जय श्री राम कहे मां प्रवेश
हे सुमुखी, तुझे निज हृदय कमल में अर्पण करने आया, अति प्रेम विवश हो तुझसे प्रेम निवेदन करने आया। मेरी दृष्टि है तेरी कृपा दृष्टि की प्यासी, मंदोदरी आदि सुंदरी कर दूंगा तेरी दासी। मेरे सत की रक्षा को इस तिनके की प्राचीर बहुत है। अच्छा, एक निष्ठ रघुवर अनुरागी मन मेरा स्थिर धीर बहुत है। ओहो, छल करके ले आया हर के और कहे तू वीर बहुत है। तेरे जैसे खल कामी को रघुबर का एक तीर बहुत है। तेरा राम भिक्षु वनवासी क्या मारेगा मुझको, मेरी शक्ति कीर्ति यश गौरव ज्ञात नहीं है तुझको। ज्ञात है, का पुरुषों में श्रेष्ठ है तू, निराधमों में ज्येष्ठ है तू। मैं रावण विख्यात हठी हूँ किंतु नहीं हठ योग करूंगा। तेरी स्वीकृति मिल जाने तक तेरे संग सहयोग करूंगा। एक मास की दीर्घ अवधि तक तेरा सहन वियोग करूंगा। इस पर भी यदि ना मानी तो चंद्रहास उपयोग करूंगा। हे खड़क चंद्रहास, मेरे प्राण लेकर लिखते एक नया इतिहास, ताकि फिर कोई रावण न कर सके किसी सीता की मर्यादा का ऐसा निर्मम उपहास। हे अशोक तरु शोक हरो, पर करो विश्वास मां। अति शीघ्र स्वामी आएंगे, संग सैन्य भारी लाएंगे। चिंतित न हो धीरज धरो, तुम्हें मुक्त कर ले जाएंगे। भूख मिटा लूं, आज्ञा दो मां, कुछ फल खा लूं।
मरकट ने अशोक वन के फल खाए वृक्ष उखाड़े हैं, इतना ही नहीं अपनी सेना के योद्धा कई पछाड़े हैं। चंचल आबाद इस बानर को बेड़ी में बांध कर लाया हूँ, पितु दीजे इसको प्राण दंड में सेवा में ले आया हूँ। राजदूत पर भ्रातवर क्यों होते हैं क्रोध, राजदूत को मारना कहते नीत विरोध। मरकट की पूंछ में आग लगाओ, फिर इसको सारा लंका नगर घुमाओ। काहे बन में तुझे संग लाया,
मैंने क्यों तुझे कदन में पठाया, कैसा अन्याय मुझसे हुआ रे, बोल रे राम कब से पुकारे, हाँ लखन हाँ मेरे प्राण प्यारे, जाग रे राम कब से पुकारे। लंका से हनुमान जी लाए वैद्य बुला, वैद्य कहा संजीवनी एक मात्र उपाय, we'll be right back.
जगमग जगमग करे, झिलमिल झिलमिल करे, जगमग जगमग करे, झिलमिल झिलमिल करे। अरिष्टनेमि स्वस्ति नो